ओम शांति। आज दिन के इस तीसरे सत्र में पुनः एक बार फिर से आपका हृदय से वेलकम है, स्वागत है, स्वागत है। परमात्मा ने हमें ये तो बता दिया कि हम कौन हैं, परमात्मा ने बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसके कनेक्शन से हमें खुशी कैसे प्राप्त होती है, आज इसी विषय को लेने के लिए हमारे बीच हैं SSW के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, और ये कहें कि पिलर हैं SSW के, कर्नल BC सती हमारे साथ हैं। मैं एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। आपका जन्म 20 अगस्त 1964 में हुआ। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आपने कारगिल में इंडियन आर्मी के रेगुलर ऑफिसर से का भी कार्यभार संभाला। आपने आगरा के आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में क्लास बी इंस्ट्रक्टर का कार्यभार सितंबर 1998 से अप्रैल 2001 तक किया। आपने आर्मी के अपने 12 साल से अधिक कैरियर में गढ़वाल राइफल के तहत आपने जामनगर में अपनी सेवाएं दी, हरसिल में, हैदराबाद में, श्रीनगर में, आगरा में, और तभी परमात्मा ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके तहत परमात्मा ने इनसे वहाँ बहुत सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जो कि डी एडिक्शन पर रही और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर रही। आप जब इस गॉडली यूनिवर्सिटी में आपने कदम रखा, इस ज्ञान को पहचाना 1983 में, जबकि आप कॉलेज में थे, और तभी से परमात्मा ने अपना एक निमित्त, अपने आप परमात्मा ने इनको अपना निमित्त बनाया। आप असम राइफल के जब कार्यभार आपने संभाला तो वहाँ पर जनरल ओम प्रकाश जी ने विशेष ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स को अपना एक घर दिया जहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप लगातार चलती रही। आप राष्ट्रीय राइफल्स जिसके तहत किलो फोर्स आती हैं 2011 से 2013 तक, लगभग 3 साल तक आपने कार्यभार संभाला, और JCOs और जवान्स के लिए आपने बहुत सी वर्कशॉप्स वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज कराई, और आज भी आप राष्ट्रीय स्तर पर BSF कहें, कोस्ट गार्ड कहें, SSB कहें, CISF कहें, जो भी सभी फॉर्मेशंस हैं SSW की, उसमें आप आज भी सिस्टर्स के साथ परमात्मा के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। 1983 में जब मुझे ये नॉलेज मिला था तो उससे पहले मैं हनुमान जी का भक्त था, और रोज़ 5 बार एक ना खुशी से कहें या दिल से कहें, मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। तो एक बार मुझे निराकार शिव का चित्र दिखा तो जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, तो जिनके पास वो चित्र था तो हमने उन्हीं से पूछा कि ये चित्र क्या है। उन्होंने कहा, सर ये परमात्मा का परिचय है। तो मैंने कहा कि हमने तो कहीं देखा ही नहीं ऐसा चित्र, ये कहाँ से आपको पता चला? तो उसने कहा कि सर हमारी एक संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, ये 1983 की बात कर रहा हूँ, मैं 18 साल का था और हॉस्टल में रहता था, लखनऊ की बात है, लखनऊ को मैं कहता हूँ योर लक इज़ नाउ लखनऊ। तो उसने कहा कि सर अगर आप चाहें तो हम आपको अपने ब्रांच में ले चलते हैं कल सुबह। मैंने, चलिए हम तो फ्री हैं, इन दिनों हमारे वैसे भी क्लासेस नहीं हो रहे हैं। मैं अगले दिन सुबह जब वहाँ पे गया ब्रांच में, मेडिटेशन सेंटर में,
तो मैंने वहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक नियम ये होता है कि जब भी आप हमारे ब्रांच में जाएंगे तो हम आपको एक प्रदर्शनी दिखाते हैं चित्रों की, उसमें परमात्मा का पूरा ज्ञान होता है। जब आपको वो पसंद आता है तो फिर कोर्स होता है 1 वीक का। तो मैंने जब वो प्रदर्शनी देखी तो मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये अच्छा ज्ञान है, इट इज़ समथिंग लॉजिकल है, लॉजिक है इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोर्स करेंगे? मैंने कि बिल्कुल करेंगे, हम तो फ्री हैं। तो उन्होंने कि ठीक है, आप कल से आइए, कोर्स कराएंगे। तो कोर्स किया 1 वीक का। तो कोर्स के बीच में ही मुझे एक ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आई, बहुत स्ट्रांग फीलिंग अंदर से और पॉजिटिव, कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है भगवान का, बहुत अच्छा ये ज्ञान है और ये मुझे बिल्कुल मन से सूट हो रहा है, बुद्धि भी मेरी इसको ना स्वीकार कर रही है, तो इस पर हम चलेंगे। क्योंकि हॉस्टल लाइफ में था और पढ़ाई के बाद आप फ्री होते हो, तो मैंने निश्चय किया कि मैं इसमें रेगुलर क्लास करूँगा। तो आज भी जैसे कि आप मुझे देख रहे हो कि हम दौड़ रहे हैं सेवाओं में आनंद पूर्वक, है ना, लगन से, दिल से। तो तब तो मैं स्टूडेंट ही था, तो मैंने फिर जो हमारे ब्रांच थी लखनऊ में, वहाँ की जो इंचार्ज थी, तो मुझे लोग इस ज्ञान में सती भाई बोलते हैं, कर्नल सती भाई, या सती आर्मी में भी लोग कर्नल सती के नाम से जानते हैं। तो इफ्त का ऐसा रहा कोइंसिडेंस कि जिस बहन ने मुझे ज्ञान दिया उनका नाम भी सती दादी था, वो सिंध की रहने वाली थी और उनका नाम सती दादी था, वो इस यज्ञ की शुरुआत से इस यज्ञ, है ना, इसमें जुड़ी थी। तो तब मैंने BSc किया, तो मैं BSc फाइनल में था तो मैं इस ज्ञान में आया, प्रीवियस कर चुका था, फाइनल ईयर में था तो मैं इस ज्ञान में आया। पहला चेंज जो मेरे लाइफ में आया एज ए स्टूडेंट, हॉस्टल स्टूडेंट, आप सब जानते हो हॉस्टल में क्या माहौल होता है और लखनऊ में विशेष। वैसे तो आज माहौल थोड़ा और बिगड़ गया है, उन दिनों भी कोई ज़्यादा इतना बहुत पॉजिटिव नहीं था, बट आज से तो बेहतर ही था। बट मैंने ये देखा कि जैसे ही मैंने इस ज्ञान को उठाया और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा एकाग्रता की शक्ति मेरी अच्छी हो गई। और मैंने ये देखा कि जब मैं 2 घंटे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ सकता था, पढ़ना मुश्किल होता था, तो मैं 3-4 घंटे, 5-6 घंटे पढ़ सकता था और कंसंट्रेशन से पढ़ सकता था। और मैंने एक चीज़ ये भी सोचा कि यहाँ पे हमारे इस ज्ञान में सेवा का बड़ा महत्व है। तो हमारी बहन जी कई बार सेवाओं में निकलती थी, तो मैं जब भी फ्री होता था मैं उनका हाथ बटाता था। तो एक एग्जाम्पल मैं सबको सुनाता हूँ कि जैसे ना पल्टन में आपकी CEO से बड़ी अच्छी संबंध है और CEO के घर में कोई फंक्शन हो और आप व्यक्तिगत रूप से उस फंक्शन में अपनी खुशी से हिस्सा लें और एक सेवा करके दिखाएं, तो क्या होगा? वो CEO साहब आपको अपनी नज़र में रख लेंगे और उनके मन में ये होगा, यार ये कोई जो भी जवान है या जो भी है ये बड़ा अच्छा है ना, सो पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद आपका काम भी अच्छा है, आपका नेचर भी अच्छा है, आप, है ना। तो जैसे समय बढ़ेगा तो वो CEO आपके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेगा, जितना आप नहीं सोचेंगे वो आपके लिए सोचेगा। तो ऐसे मेरे भी मन में आया कि हम परमात्मा के ज्ञान में हैं, परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा की ये कार्य चल रहा है, तो इसमें जो बन सकता है हमें करना हो। तो स्टूडेंट लाइफ में तो मेरे पास धन तो था नहीं, मेरा तन अच्छा था और मेरा मन था मेरे साथ, तो मैंने उसको लगाया। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड थी कि मैं एक फ़ौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, तो नेवी वाले जो हैं वो, मैंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे, कोचीन और गोवा से की है। बट क्लास 9th में जब मैं था तो फादर बीमार पड़ गए और उनके उनका देहांत हो गया, सर्विस में ही देहांत हो गया। तो बड़े भाई थे वो, अभी भी अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, और 3 छोटी बहनें थी। तो मेरी मदर को पता था कि ये लड़का जो मेरा है ये थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक है, तो उनका सारा फोकस मेरे पर ये था कि हमारी जॉइंट फैमिली आज भी, तो आप पढ़ो और आप जॉब करो। क्योंकि जैसे मुझे ज्ञान मिला ना मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे यही सेवा करनी है, ज्ञान, है ना, आई शुड जस्ट स्प्रेड दिस नॉलेज नाउ, और मुझे हेडक्वार्टर्स आना चाहिए माउंट आबू, और अगर हो सकता तो यहाँ पे भी आई कैन डेडिकेट माई सेल्फ लाइक ये ब्रदर्स जैसे डेडिकेटेड लाइफ जी रहे। बट चूंकि मेरे को सिर्फ 300 रुपये मिलते थे घर से, तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कि मैं माउंट आबू आ सकता था। बट मैं नियमित वहाँ अपने कनेक्शन में सेंटर्स में जाता रहता था और अपनी सेवाएँ और पढ़ाई करता था। तो BSc करने के बाद मैंने MSc किया, MSc भी मैंने अच्छे नंबरों से की, फिर मैं IAS की तैयारी में लग गया और कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, करीब 25 एग्ज़ाम्स दिए। पर मैं बराबर जैसे ना परमा मेडिटेशन सिंसियरली करता था,
ये मैंने अपना भोजन ठीक कर दिया था, भोजन बिल्कुल सात्विक भोजन खाने लग गया था। तो मैंने ये सब चीज़ का असर ये देखा सेवाओं का और इन मेडिटेशन का कि मुझे इंट्यूशन क्लियर होते थे ना, मतलब कैचिंग पावर मेरी होने लगी थी। और जैसे मैं जब परमात्मा से बातें करता था कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, कि अब तो मेरे को तो कुछ करना ही है जॉब, और मेरे मन में ये था कि मेरे को ऑफिसर बनना है, तो मुझे जैसे एक आवाज़ आती थी कि आप निश्चिंत रहिए ना, आपको परमात्मा हेल्प करेगा, आप निश्चिंत रहना। तो जब मैं क्लास टेंथ में था तो नाइन्थ में फादर गुजर गए थे, नाइन्थ क्लास में जब मैं था, तो टेंथ जब मैंने किया फर्स्ट डिवीज़न से, तो मैं फौज में भर्ती होने गया और एज ए सिपाही भर्ती होने गया। तो तब तो मैं इस ज्ञान में भी नहीं था। तो जब मेरा मेडिकल हुआ तो उसने मुझे कहा कि यार आपकी ना ये उंगली, याली उंगली आप दिख रही होगी आपको, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आपके लिए फ़ौज नहीं है, तो आप फ़ौज में मत सोचिएगा, आप कोई फिजिबल में लाइन में चले जाइए। तो जिसने समझाया उसने इतने प्यार से समझाया कि मेरे माइंड में वो चीज़ क्लियर थी कि मुझे फ़ौज की तरफ नहीं आना चाहिए। बट जब मैं MSc करके कई सारे एग्ज़ाम दे रहा था, IAS का भी एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम UPSC के थ्रू होता है, उस एग्ज़ाम को दिया जिसमें हम आर्मी के लिए ऑफिसर बनते हैं, जस्ट ट्रायल के लिए कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, ये तो सिर्फ ट्रायल है, इसमें तो जाना तो है नहीं, ट्रायल के लिए। जब रिजल्ट आया तो IAS में तो मैं फेल हो गया, बट इसमें मैं पास हो गया। जब पास हो गया तो इंटरव्यू होता है इसमें, तो आपको पता ही SSB और मेडिकल। तो मेरी जो छोटी बहन है वो एक डॉक्टर है, उसकी क्लास फ्रेंड के फादर आर्मी में कर्नल थे और डॉक्टर थे। अब मैं ज्ञान में आ चुका हूँ BSc में, MSc करते वक्त मेरी मित्रता उन कर्नल साहब से हुई। तो वो कर्नल साहब बड़े अच्छे इंसान, बड़े मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, तो जब भी मुझे देखे ना तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये बच्चे के फादर नहीं है तो मैं इसको गाइड करूँगा, उनके मन में एक भावना थी मेरे लिए। तो मुझे कहते थे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा सर मैं MSc कर रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। कहते गुड, वेरी गुड, देखो ऐसा है तुम्हारे अंकल कर्नल हैं आर्मी में और डॉक्टर हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, कभी अगर आपको लगता है अंकल किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हो बता दे देना मुझे, ठीक है, आई विल गाइड यू। उन दिनों वो हमारे अंकल साहब कर्नल साहब नैनीताल में पोस्टेड थे, बाद में उनकी पोस्टिंग नैनीताल से इलाहाबाद हो गई। जब वो जा रहे थे इलाहाबाद तो लखनऊ के थ्रू गए, अपनी कार ड्राइव करके गए, तो लखनऊ में वो मेरे हॉस्टल में आ गए, जिसका मुझे बिल्कुल संकल्प में भी नहीं था कि वो मेरे हॉस्टल में मेरे से मिलने आएंगे। तो देखा मेरा दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, तो खोला तो देखा कर्नल साहब खड़े हैं। मैंने सर आप, तो उन्होंने मेरे कमरे को देखा, तो देखा तो बड़े चित्र लगे हैं भगवान के, तो उनकी वाइफ कार में बैठी थी, उनको बोला आप भी आ सकती हो उस कमरे में, बैठ सकती हो। फिर कहा कि बेटा मैं ना अभी नैनीताल से इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल में मैं अगेन डॉक्टर के रूप में, सर्जिकल स्पेशलिस्ट रूप में जा रहा हूँ, आप अपना प्रयास करते रहो, एग्ज़ाम्स देते रहो, और कहीं पर भी अगर लगता है मैं किसी प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, आप करो तैयारी करो। गुड, मैं खुश हूँ आप तैयारी कर रहे हो। तो उन दिनों मैं करीब 8-8 घंटे पढ़ता था। तो जैसे ही मेरा SSB का रिटर्न पास हुआ ICDS का, तो मेरा SSB इंटरव्यू कहाँ आया, परमात्मा ने कहाँ भेजा मुझे, इलाहाबाद भेजा। मेरे एक क्लास फ्रेंड थे इलाहाबाद में जिन्होंने मेरे साथ BSc किया था, उनकी बहन की शादी थी, वो मेरे को स्पेशली मिलने आया कि तू मेरा रूम में रहा है BSc में, मेरी बहन की शादी है, इलाहाबाद में है, गुरुद्वारे में है, इस दिन को है, तू आएगा आएगा। मैं ठीक है मैं आऊँगा। अब वो कोइंसिडेंस शादी भी ऐसे टाइम में जब मेरे हाथ में SSB की चिट्ठी आ गई थी, तो मैंने बार दो एक पन दो काज हम पहुँच गए इलाहाबाद, हमने शादी अटेंड की, शाम को एक रिक्शा पकड़ के सर के घर पहुँच गए कर्नल साहब के। अब उन्हें तो सपने भी नहीं था कि मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूँ। बेल बजाया तो अंकल ने जैसे देखा, अरे तुम यहाँ कैसे, मैंने सर बस आपके से मिलने आ गया। कहते आइए, तो बताओ बेटा क्या कर रहे हो। मैंने कि आपको एक खुशखबरी सुनानी है कि ये सिलेक्शन लेटर मेरे पास है। तो उन्होंने पढ़ा कि यू हैव क्वालिफाइड द रिटर्न एग्ज़ाम एंड यू हैव टू कम फॉर SSB टू इलाहाबाद। जैसे उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा बेटे आप ये सोचो आप ऑफिसर बन गए। तो मैंने कहा नहीं अंकल, आई एम सॉरी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो बोलो क्या बोलो। मैंने कहा अंकल मेरी ना ये उंगली टेढ़ी है। कहते हैं कौन सी उंगली बेटा, मैंने दिखाया। अच्छा अच्छे संग देखा उन्होंने, तुम पकड़ सकते हो, हर चीज़ हो सकता है, ये कैसे सब सल्यूट करके दिखाओ ऐसा करके।
देखो ये तुम्हारा मेडिकल ना अंकल खुद करेंगे। तो अभी तुम ऐसा करना, तुम्हारे तो इंटरव्यू में मुझे दिख रहा है 40 दिन है, तो जाके 40 दिन खूब खेलना, खेलते ही रहना, कोप कर, तुमने अपना काम कर दिया, अब काम अंकल का है। सिर्फ 3 दिन पहले आना, तुम मेरे साथ रहोगे, जो भी तुम्हारे टेस्ट लेंगे अधिकारीगण, में सबसे तुमको मिलाऊंगा, और फिर तुम खाली नाम मात्र के टेस्ट दोगे और तुम्हारा अंदर हो जाएगा। और वही हुआ कि मैं आर्मी में ऑफिसर बन गया। जब आर्मी में आया तो हम सब जी जब तक आर्मी में नहीं होते ना तो हमें आर्मी बहुत अच्छी लगती है, हमें CISF बहुत अच्छी लगती है, हमें नेवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ अच्छा ही है ना, दूर के ढोल सुहावने। तो मुझे भी 26 जनवरी का परेड या है ना प्रोग्राम्स टीवी में देखता था तो अच्छा ही लगता था, और मैं जिस स्थान का रहूं रानीखेत का, वहां पे तो बहुत आर्मी है, तो उनको देखता था ऑफिसर्स को सलूट मिल रहा है, तो हम सोचते थे यार भाई सलूट मिलता है इसमें तो। बट जैसे ही मैं ट्रेनिंग के अंदर पहुंचा, मेरा जैसा बंदा जिसको अभी ज्ञान में 7 साल हो गए थे, नॉर्मली क्या होता है फौज में जिंदगी में, हम पहले फौज की नौकरी करते हैं, फिर क्या बोलते हैं हम रिटायर होंगे फिर इस ज्ञान में आएंगे, ये नॉर्मल प्रिंसिपल चलता है। मेरे साथ परमात्मा ने खेल को थोड़ा रिवर्स रखा, पहले ज्ञान में आने दिया, 7 साल खूब अच्छे ढंग से ज्ञान सुनाया, और फिर है ना फौज में भेजा। तो जैसे ही मैं एकेडमी में पहुंचा, अब हम सबसे आप करके बात करते थे तब तक, क्योंकि हमने तो है ना जो सीखा तो वही हमारे आदत में था, गाली किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं था गाली किसे कहते हैं, और बड़े सीधे साधे थे। जैसे ही मैं एकेडमी में पहुंचा ना, तो तीसरे दिन मेरा मैंने क्लियर था कि मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, मैं गलत जगह में आ गया हूँ, फंस गया हूँ मैं। बट क्या होता है हर जगह मैंने देखा ना अच्छे लोग बैठे होते हैं, तो एक सीनियर था जिसको मैंने जाके बोला कि सर मैं इस एकेडमी और ट्रेनिंग को छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताइए रास्ता क्या है उसका। कहते क्यों, मैंने कि सर देखो मेरा तो ऐसा नेचर है ये। कहता है यार ये 4 दिन की बात है, सिर्फ 4 दिन की, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, तो तुम मैंने तुम्हें देख लिया तुम बड़ा अच्छे इंसान हो, तुम छोड़ो भूल जाओ इन सब बातों को। तो उनकी उतनी बात से ही मुझे प्रेरणा मिली, मैंने भूल गया, चलो ट्रेनिंग भी अच्छे ढंग से हो गई, ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बनने के बाद ही भगवान ने मुझे पहली बार माउंट आबू आने का न्योता दिया। जब स्टार लग गया ना तो पैसे मिले, जब पैसे मिले तो मेरा पहला काम माउंट आबू आया, देखा पांडव भवन या ना कौन सा भवन कहाँ है, और फिर मेरे को लगा कि ये हमारा संस्था है ये। तो मतलब उसने पहले नहीं आने दिया, पता था ना पहले आता तो समर्पित हो जाता, तो उसको मेरे को दूसरे ढंग से समर्पित करना है। अब मैं फौज में अपनी सेवाएं देने लगा, मैं गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुआ, इन्फेंट्री में कमीशन हुआ, इन्फेंट्री तो आप सब जानते हो सबसे आगे रहती, मैं फिजिकली फिट था, जैसे आज दुबला पतला दिख रहा वैसे तब भी था, मेरे कोर्समेट आज भी जब मुझे देखते हैं उनके तो तौंद बाहर हो गए हैं, बाल सब उड़ गए हैं, सब वाइट हो गया है, और मेरा ये नेचुरल है, अभी आप जो देख रहे हो ना बाल वाल ये सब नेचुरल है। तो 5 साल जब मैं कर रहा था अपनी नौकरी, तो मुझे क्या लग रहा था बीच बीच में, काम तो मैं अपना सिंसियरली करता था कि ये फौज मेरे लिए नहीं है, मुझे ना छोड़ देना चाहिए इस फौज को, क्योंकि फौज तो अच्छी है, फौज में कोई कमी नहीं है, बट मैं जो सोचता ना पीस, मेरे लिए स्ट्रेंथ क्या है, पीस है, स्पिरिचुअलिटी है, वो इसका यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है। और मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं सुनाता था, नो वन, मैं अपना काम करता था जो मेरे को काम दिया, कभी मैंने किसी को ये नहीं बताया कि सर मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाता हूँ, मैं सर आज सर आपको ज्ञान सुनाऊंगा, आइए सर आप आत्मा हो है ना परमात्मा, कुछ नथिंग नहीं, अपना काम करता था। बट लोग क्या करते हैं, आपको वॉच करते हैं, क्या जी ये ड्रिंक नहीं करते हैं, ये स्मोकिंग नहीं करते हैं, ये कोई व्यसन नहीं करते हैं, ये खाने में भी कुछ परहेज करते रहते हैं, क्योंकि मैं जितना हो सकता था मैं सात्विक भोजन ही खाता था। तो 5 साल बाद मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, मेरे पास फॉर्म आया, मैंने उसमें लिख दिया, उसमें 3 ऑप्शन थे, आइदर आई वॉन्ट टू लीव द आर्मी, या मुझे 5 साल और रहना है एक्सटेंशन जिसमें एक सुविधा होती है कि आप कभी भी छोड़ सकते हो, या फिर आप परमानेंट कमीशन लेकर रहना चाहते हो। तो मैंने ऑप्शन दिया बहुत सोच के कि मैं एक्सटेंशन के लिए भर देता हूँ कि 5 साल और रहूँगा, और उसमें जैसे ही मेरे को कहीं पर भी बाहर जॉब मिलेगा तो मैं आई लीव दिस आर्मी। तो मेरे बॉस ने जैसे ही फॉर्म देखा, क्योंकि मेरे बॉस का साइन होता है ना उसमें, तब वो जाता है हेडक्वार्टर में, उन्होंने मुझे बुला लिया, बोला यस कैप्टन सती, उन दोनों कैप्टन था, ये आपने क्या भर दिया। मैंने बोला सर मैं फौज छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, मैंने कहा सर मेरे तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ,
कि मुझे फौज से तो कोई शिकायत ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल फोर्स है, इतना डिसिप्लिन है, इतना आपको सम्मान है, बट कहाँ जहाँ मेरी विचारधारा है ना सर, वो इससे मैच नहीं करती। और मैं पीस लविंग हूँ, मेरा पॉजिटिव, जैसे अभी आपने मुझे देखा है सर, वो 3 साल से मुझे वॉच कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि कैप्टन सती तुम हमारे लिए एक बहुत बड़ी एसेट हो, तुम्हारे जैसे ऑफिसर हमें मिलेंगे कहाँ, पता है तुमको जब पार्टी होती है और हम सब पी के धूत होते हैं, मैं सिर्फ तेरे वजह से कॉन्फिडेंट रहता हूँ। कि ये वो ऑफिसर है जो कितना स्ट्रांग है ना, हम तो खा पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, बट तू मेरे को, मैं देखता हूँ तुझे, वॉच करता हूँ, फिजिकली तू फिट है और तेरे परिवार वालों को भी मैं जानता हूँ कि तेरे उनको तेरी ज़रूरत है। नो, यू विल नॉट लीव द इंडियन आर्मी, यू विल स्टे हियर, मैं तेरा फॉर्म को, आई एम डिस्ट्रॉइंग दिस फॉर्म। तो अभी मुझे लगा कि जैसे मेरे बॉस मेरे पे एक ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कन्विंस नहीं था, बट कन्विंस हुआ बट ज़्यादा नहीं हुआ। तो शाम को मैं आश्रम चला गया, उन दिनों मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद की ब्रांच में गया, वहाँ की सिस्टर से मिला, उनसे भी मैंने चर्चा की कि सिस्टर मैं आर्मी में 5 साल के लिए आया था, आज मुझे फॉर्म भरना था, ऐसा ऐसा हुआ, बॉस कह रहे हैं आपको रहना है, आप बताइए मैं क्या करूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर, मुझे अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो सिस्टर जो है ना वो मेडिटेशन करके बाहर आई थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, क्या कि भाई साहब आप फौज मत छोड़ना, प्लीज़ मत छोड़ना, भगवान आपसे सेवा लेने वाला है, क्योंकि अब आपने जो फौज में जो झेलना था ना, जो था हार्ड लाइफ वो हो गई, अब आप स्मूथली सेल कर जाओ, क्योंकि ऐसे इस प्रकार से किसी को तैयार करके फौज में रखना बड़ा मुश्किल है, तो आप तो बने बनाए हो, आपको तो इतना अच्छा नॉलेज है। नो, उन्होंने ठीक बोला, यू कंटिन्यू विद इंडियन आर्मी। और वो दिन 93 और आज 2016, 23 साल तो इसी बात को हो गए। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अब आर्मी में अपनी सेवाएं दूंगा। तो तुरंत उसके बाद हमारी पलटन कश्मीर चली गई। जब कश्मीर पलटन जा रही थी तो हम हैदराबाद में थे, और मेरे मन में ये आया था 95 में कि यार इतना आतंकवाद है ना, जब मैं कश्मीर जाऊंगा मुझे अगर कोई आतंकवादी मिला तो उसको शूट कर दूंगा, क्योंकि सुनते ही वही थे कि वो ब्लास्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पर जब मैं कश्मीर पहुंचा, श्रीनगर में मेरी पलटन तैनात हुई, लाल चौक में मेरी कंपनी को तैनात किया गया, मेरी सर्विस मात्र 5.5 साल, मुझे मेजर रैंक तब तक एक्टिंग मेजर मिल गया था, हमें कहा गया कि आपको 1 महीना सिर्फ और सिर्फ इस इलाके को समझने के लिए मिलेगा, जितना इलाका मेरे बीच मेरे को दिया था, काफ़ी बड़ा इलाका दिया, और उसके तुरंत बाद आप ऑपरेशन करेंगे, मिलिटेंट्स को पकड़ेंगे। तो अमूमन पलटन में मेरे लिए क्या था पिक्चर कि मेजर सती जो है ना, अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, है ना, कोई व्यसन नहीं करते, तो बेचारे ना पंडित किस्म के हैं, क्योंकि ऐसा फीलिंग है, और जो खाते पीते थे तो वो शेर किस्म के थे। बट सबको आश्चर्य हुआ जब रिजल्ट्स जमीन में आने लगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या है ना, जो हम धीरे धीरे आप भी देख रहे हो कि हम यहाँ पे अपने को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, हम कहते हैं हम निमित्त हैं, हम ट्रस्टी हैं, करने वाला तो वो है। अब वो है तो वो हर जगह वो ही है, ये नहीं कि सिर्फ इस ज्ञान के अंदर वो है, अगर हम बाहर है तो वहाँ भी वही बैठा हुआ है, वो हमसे सेवा लेता है। बिकॉज परमात्मा का एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैंने देखा है कि वो ये कहता है कि अगर मैं सबको ब्रह्मा कुमार बना दूँ तो आप आर्मी वाले नहीं वाले क्या बोलोगे कि सर ये चीज़ें हमारे फौज में कोई फॉलो नहीं कर सकेगा, कर ही नहीं सकता, बट जब हम फौज में रहकर ऐसा कहेंगे तो आप क्या बोलोगे, अरे सर इट इज़ पॉसिबल, आप तो कर रहे हो ना तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक उसका खेल है कि हर फील्ड में आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि परमात्मा के बच्चे इस प्रकार से बैठे हुए हैं और वो जो सेवाएं कर रहे हैं, इस इज बिकमिंग एन एग्जाम्पल फॉर दोज फील्ड्स, कि हम भी अपने फील्ड में रहते हुए उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उसकी शक्ति लेके सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी 1 महीना बीत गया, उसमें 1 महीने में मैंने क्या किया, मेरा स्टाइल है, स्टाइल क्या है मेरा कि मैं हर काम को जब भी करता हूँ आई स्टार्ट विद मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हो 3 दिन से, तो वो मेरा रोज ही होता है। फिर मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ता हूँ अपना अच्छा लिटरेचर, फिर जब मैं ऑफिस जाऊँगा ना आई विल ऑलवेज स्टैंड इन मेडिटेशन फॉर 3 मिनट्स। जैसे मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मेरा
टेम्पल है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन रूम, एंड आई विल जस्ट सी ना, जैसे मेडिटेशन करूँगा देन सुप्रीम सोल को एक सल्यूट करूँगा, है ना, आई फील हिम इज द सुप्रीम कमांडर, सभी आत्माओं का पिता तो वही है, आई विल जस्ट गिव हिम ए रेस्पेक्टफुल सल्यूट एंड देन विद हिज ब्लेसिंग्स मैं निकलता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये फीलिंग उससे आती है कि जैसे कि वो अब साथ मेरे हैं, सो व्हेन यू हैव द कंपनी ऑफ योर सीनियर्स तो एक ब्लेसिंग्स रहती है। तो वैली में भी मैंने क्या किया कि पहला एक महीना मैं वॉक किया, मैंने जितना भी मुझे इलाका दिया जहाँ तक हो सकता मैं पैदल चला, और चल के मैंने क्या किया कि वाइब्रेशंस भी फ्लाई गुड विल के, और उस इलाके को समझने का भी कोशिश किया। और एक महीने बाद हमको कह दिया गया कि आप ऑपरेशंस करो। अभी वैली में आप सब जानते हो जो लोग वैली में रहे कि कभी भी हथियार आप पकड़ ही नहीं सकते जब तक आपके पास इन्फॉर्मर नहीं आएगा, है, इन्फॉर्मर के बिना तो कोई हथियार ही नहीं मिल सकता। इन्फॉर्मर बताएगा कौन मिलिटेंट है तो आप मिलिटेंट को पकड़ सकते, नहीं तो पकड़ ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ ये परमात्मा से कहता था कि मुझे अच्छा काम करना है, बस अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मैं कंपनी कमांडर था, मेरे नीचे लोग थे। तो जो हमारे CEO साहब थे उन दिनों, वो मुझे ट्रस्टी करके कई बार ना पुकारते थे, कहते यार तू ये ट्रस्टी क्या लिखता रहता है अपने डायरीज में। मैंने बोला सर ये सिर्फ एक इशारा है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कराने वाला वो है। कहता आई लाइक दिस फिलॉसफी। तो उसने मुझे बहुत अच्छा इलाका दिया लाल चौक का, जहाँ पे काफ़ी मिलिटेंसी थी। तो मैंने क्या देखा कि जब आपके जीवन में परमात्मा है ना, तो वो आपके कार्य में भी सहयोगी बन जाता है। तो जब वहाँ पे हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा, पहले मैं तो उसका रिजल्ट सुनाऊंगा कि वी वेव द बेस्ट कंपनी अबॉन्ग द 5 कंपनीज जिन्होंने वहाँ पे काम किया 2 साल तक। करीब 40 मिलिटेंट पकड़े, 10 से ज़्यादा हथियार पकड़े, ये तो था पहला पहलू। दूसरा, हमारा पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो, सोल कॉन्शियस में आते हो ना, आपका बॉडी कॉन्शियस बहुत गिरता है एंड यू आर एबल टू मिक्स फ्रीली एंड ईजिली विद पीपल, वेदर ही इज़ ए पुलिस ऑफिसर और एनी वन, वेदर इज ए कश्मीरी ऑल्सो, और फिर आपके रिलेशंस बड़े अच्छे थे। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे मैंने एक ऑपरेशन किया कश्मीर में और दिल की दुआएं उसमें मिली। नॉर्मली हम ऑपरेशन तो ऐसे ही करते थे कि खबर आती थी, हम जाते थे, मिलिटेंट को पकड़ते थे, मिलिटेंट कभी अपना नाम ठीक नहीं बोले, कभी नहीं सर मैं तो ये हो ही नहीं, फिर उसको हम इंटरोगेशन, थोड़ा सा उसकी पिटाई उटाई की, नहीं साहब सब मैं ही हूँ, फिर वो अपना हथियार जो भी होता देता था। बट एक दिन क्या हुआ, मुझे खबर मिली 12 बजे कि सर एक मिलिटेंट है फलाने जगह पे है सर, अभी वो घर में है इसका, उसको पकड़ना है सर, उसके पास पिस्टल है। मैंने अपनी टीम को तैयार किया, चलने से पहले 2 मिनट्स का मेडिटेशन, सबको बताता जवानों को कि साहब बिना मेडिटेशन के नहीं चलेंगे। मैं क्या कहता था कि हम सभी 2 मिनट भगवान को याद करेंगे। फिर हम निकले, उसके घर पहुँचे, घर को घेरा, अंदर घुसे, वो खाना खा रहा है। तो इन्फॉर्मर ने कहा सर यही बंदा है, तो हमने उसको बोला उठिए, जीप में बिठाया, जैसे लेके चले बहुत हल्ला हुआ, हम उसको लेके आ गए। लेके आए तो मैं मेरे जीप में था, मैं उसको वॉच कर रहा था, देखा नॉर्मल बैठा है, एक ऑफिस में लेके आया आपने फिर भी नॉर्मल है। मैंने आपका नाम क्या है, तो जो मुझे नाम बताया इन्फॉर्मर ने वही नाम उसने बताया। मैंने कहा आपके पास पिस्टल है, कहता हाँ सर पिस्टल है मेरा। क्यों है आपके पास पिस्टल? सर ऐसा है, जब 89 में मिलिटेंसी स्टार्ट हुआ तो मुझे पता नहीं था मिलिटेंसी क्या है, मैंने सोचा कि ये कोई अच्छा मूवमेंट है, तो मैं भी मिलिटेंट के साथ चल दिया। मैं उससे पहले इलेक्ट्रिशियन था, मेरा अपना शॉप था, मैं VCR ठीक करता था, सब काम करता था, बट मैं भी इनके साथ जुड़ गया, मेरा काम भी मैंने रोक दिया। जब 1-2 साल हो गया फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो सारा बिजनेस खत्म हो गया, ये वो है। मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, इनके साथ नहीं जाऊँगा, और मैं अपना काम करूँगा। फिर साहब मैंने एक दिन अपना काम शुरू कर दिया और अपना काम में लग गए। और एक दिन रात को 12 बजे ये मिलिटेंट्स मेरे घर आए, दरवाज़ा खड़खड़ाया, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन आया, खोला तो देखा मिलिटेंट्स हथियार लेके खड़े हैं। यस, बोले भाई क्यों आए आप लोग? कहता है भाई तुम आजकल हमारे साथ नहीं आते हो। कहता है भाई मैं जो हूँ अपना काम करता हूँ, अपना धंधा करता हूँ, पहले मेरे को पता नहीं था, तो मैं आपके साथ था, अब तो मैं अपना काम करूँ। कहता देखो तुम ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुमको हमारे साथ आना है, आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आओगे ना तो तुम्हारी ये बेटी देख लो, जवान बेटी 16 साल की, हम इसको उठा के ले जाएंगे। अब बेटी भी खड़ी थी दरवाजे पे, वो जो बंदा था ना वो डर गया, उसने फिर चले गए मिलिटेंट्स। अब चूंकि उसका कॉन्टैक्ट मिलिटेंट से था, तो उसने सेल्फ डिफेंस के लिए एक पिस्टल मैनेज किया कि अगर दोबारा ये ऐसे आ गए रात को और दोबारा इसने कोई हरकत की,
तो एटलीस्ट इन सेल्फ डिफेंस आई कैन टेक सम एक्शन, ये मेरे इन्फॉर्मर को पता था। मैंने कहा कहाँ है पिस्टल, कहता सर जल्दी चलो मेरे घर में इससे पहले कि मेरे घर से पिस्टल को उठा ले। हम फिर उसके घर गए, घर गए तुरंत वो किचन की तरफ दौड़ा, किचन में चिमनी होती है आपने सबने देखा, चिमनी के अंदर उसने हाथ डाला और एक कील थी अंदर, उस कील से काला पॉलिथीन नीचे निकाला, खोला उसके अंदर एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 राउंड मेरे हाथ में दिए। अब आप सोचिए ये है, अभी हम शांति से काम कर रहे हैं, प्यार से काम कर रहे हैं, अगर हम उसको मार पीट देते और बेहोश हो जाता और हम ढूंढना शुरू करते, हमारा चिमनी की तरफ बुद्धि जाती, हम सब जगह ढूंढ लेते उसके, चिमनी के अंदर तो हमारी बुद्धि चलती ही नहीं। मैंने कहा कि आपको मेरे साथ फिर चलना पड़ेगा। अब जब हमको फिर ले गए, क्योंकि अब तो हथियार दे दिया उसने, तो उसकी वाइफ चिल्लाने लगी, वो औरतें सब। मैंने उसकी वाइफ की तरफ देखा, मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कहाँ मानना था उसने, वो सब चिल्लाने का, हम खैर उसको लेके अपने कैब में आ गए। मैंने अपने जवानों से कहा देखो इस मिलिटेंट से कोई बात नहीं करेगा, इसको मैं पर्सनली हैंडल करूँगा, इससे कोई इंटरोगेशन नहीं होगा इस बंदे का, इसको बड़े इज्जत से हमने रखना है। और अब क्या होता है कि जैसे आप किसी मिलिटेंट को पकड़ते हैं ना, तो पुलिस के अंदर 24 घंटे में इसको जमा करते हैं, आपको पता है, सबको पता है 24 घंटे में। पर मैंने इसको 1 महीना रखा अपने पास। अब आपने 1 महीना कैसे रख दिया आपने, हाउ? क्या हुआ कि जिस इलाके से हमने इसको उठाया था वहाँ के जो SP साहब थे मेरे मित्र बन गए थे। मित्र कैसे बने, इसमें भी स्पिरिचुअलिटी का रोल दिखाता हूँ। हमारे वहाँ पे कश्मीर में क्या था, हमारा मिलिटेंट्स को तो पकड़ने का एक रोल था, साथ साथ हमारा कुछ एडम रोल भी था। उस एडम रोल में हम हर संडे डल लेक में ड्यूटी लगाते थे ताकि हमारे जवान जो श्रीनगर में थे वो शंकराचार्य मंदिर का दर्शन कर सकते। शंकराचार्य मंदिर देखा ना, तो उसमें हमारे फैमिलीज वाले जाते थे, तो उसकी सुरक्षा हम भी करते थे, मेरी टीम करती थी। तो एक दिन जब हम संडे को सुरक्षा में खड़े थे तो मैंने क्या देखा, एक कार, वाइट कार, बगल से पुलिस स्टेशन था वहाँ आके खड़ी हो गई। एक बंदा बाहर आ रहा है, देखा रैंक इज लाइक ए लेफ्टिनेंट कर्नल और आगे लिखा है SP फलाना फलाना, और वो अपने जवानों से बात कर रहा है। तो मैं करीब 20 मीटर दूर खड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि देखो मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, एक SP भी मेरे सामने खुद ही आ गया है, तो खर्चा नहीं मैं उससे हाथ मिला लूँ। तो मैं उसकी तरफ गया, क्योंकि मैं मेजर था वो कर्नल था, मैंने उसको सल्यूट किया सबसे पहले, अच्छे ढंग से सल्यूट किया। फिर मैंने परिचय, सर आई एम मेजर सती। कहता है हेलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं अली असगर खान हूँ, SP हूँ यहाँ का, और आप आइए पहले कहवा पीते हैं। फिर कहता है खुश हो गया मिलके, एक सलूट ने उसको खुश कर दिया, एक ना दो शब्दों ने खुश कर दिया। कहता है देखो मेजर सती, कभी आपको लगता है कि ये SP किसी काम का हो सकता है तो मुझे बताना। तो जिस दिन मैंने इस बंदे को उठाया तो मुझे पता था ये तो इसी SP के साथ, तो मैं उसके पास दौड़ता हुआ गया। मैंने सर मैंने एक बंदे को उठाया, मैं कुछ दिन उसको रखना चाहता हूँ, तो आपकी परमिशन है? कहता है आप उसको जब तक रखना चाहते हो रखिए, जिस दिन आपको लगता है कि उसको हैंडओवर करना है ना, एक दिन पहले मेरे को बता देना, हम उसका केस उसी ढंग से बना देंगे। ठीक अभी तीसरे चौथे दिन मेरे को लगा कि ये कुछ कह रहा था, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैंने उस मिलिटेंट को बुलाया अपने ऑफिस में, मैंने कहा तुम कह रहे थे हम इलेक्ट्रीशियन हूँ? मैंने हाँ साहब। देखो जिस कैंपस में हमने आपको रखा ना, इसको बोलते हैं गुजर हॉस्टल, ये गुजर हॉस्टल गुजरों का हॉस्टल है, अभी वो नहीं, अब आर्मी रह रही है, इसमें कई पंखे खराब हैं, तो ठीक कर सकते हैं आप? कहता हाँ साहब। कैसे करोगे? कहता साहब आप ऐसा करिए मुझे पंखे दिखाइए, मैं इनको देखूंगा क्यों खराब है, क्या सामान चाहिए, आपको लिस्ट दूंगा, आप सामान मंगाना मैं ठीक कर दूंगा। तो उसने देखे, लिस्ट दी, मैंने सामान मंगाया और हमारे पंखे चलने लगे। देखिए मिलिटेंट से हमने क्या सेवा ले ली कि हमारे पंखे ठीक। फिर एक दिन मुझे कहता है सर एक मिलिटेंट है मेरे इलाके में, वो लड़का है, उसके माँ बाप तो नहीं जानते कि मिलिटेंट है, बट वो मिलिटेंट है, उसके पास AK हथियार है, AK। आप देखो वैसे वो कभी नहीं बोलता अगर हम उसको मार पीट देते। सर उस बच्चा ना बड़ा परेशान है। तो मैंने क्या परेशान? कहता है सर वो ना सरेंडर होना चाहता है, पर सरेंडर हो नहीं सकता, अगर सरेंडर हो गया तो माँ बाप से 50,000 ले लेंगे मिलिटेंट्स। तो सर हमको ना कोई ड्रामा करना पड़ेगा स्टाइल्स, ताकि दुनिया को लगे कि अटैक हुआ है पर एक्चुअल हो रहा है ड्रामा, और उसको आप उठाएंगे और उससे वो हथियार दे देगा, और फिर उसको आप सॉफ्ट रिपोर्ट करके उसको जमा कर देना पुलिस को। तो हमने वही किया, एक दिन रात 12 बजे उसके घर गए, उस बच्चे को उठाया, तो घर में तो कोई हथियार उसने रखा नहीं था। फिर अगले दिन वो हमको लेके गया श्रीनगर के डाउनटाउन में, वहाँ एक कश्मीरी पंडित के घर में ले गया जो खाली पड़ा था, उसके तीसरे मंजिल में एक इतने ऊंचा मटके के अंदर काले कपड़े से निकाला बाहर, उसमें एक AK-56, 3 मैगजीन, 90 राउंड हमको दे दिए। तो देखो दूसरी सफलता मिली उसी से।
फिर उसके बाद हमें लगा, अच्छा तो एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ जो है ना, अब उसकी वाइफ का पिक्चर क्या बन रहा है अंदर, मेरे पति को आर्मी वाले ले गए, या तो हाथ टूट चुका होगा, या तो अधमरा होगा, या मरने की हालत में होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे ना बस मेरे हस्बैंड से की शक्ल दिख जाए, तो वो किसी कश्मीरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेके मेरे गेट पे पहुंच गई। मुझे मैसेज मिलता है कि सर एक प्रोफेसर साहब आए आपसे मिलने। मैंने बोला आइए सर, सॉरी हम आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब बताइए। कहता सर आपने एक मिलिटेंट को पकड़ा, कभी हम नहीं बताते हमने किसी को पकड़ा है, वी नेवर से सीक्रेट से होती ना, हमको सीक्रेट रखना पड़ता है, बट इस केस में मैंने कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहा। मैंने कहा यस हमने पकड़ा है। कहते सर उसकी वाइफ बाहर आई है, कह रही एक मिनट, सिर्फ एक मिनट आप उसकी वाइफ उसे मिलना चाहती। मैंने बोला एक मिनट नहीं, एक घंटा आप मिलिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उनको समझ नहीं है कि एक घंटा कह सकते हैं, हम तो एक मिनट चाहते हैं। मैंने बोला सेंट्रिक, मैंने बताइए उसको बुलाओ हमारे। तो वो बंदा हंसता हुआ है, मुस्कराता हुआ है, था तो कारागार में बट हमने तो उसको बड़े प्यार से रखा था। तो पहले तो समझ में नहीं आई कि कैसे आ रहे थे मुस्कराता। फिर पहले सवाल कश्मीरी पूछा कि तुमको कितना मारा पीटा, कहते हैं मुझे तो अभी झांपड़ भी नहीं मारा। फिर उसकी वाइफ, एक घंटा तक जब उसे बात किया ना उसकी वाइफ ने, तो उसकी वाइफ जब आई तो शक्ल कुछ और थी वाइफ की, और जब गई ना तो मुझे दिख रहा था कि मुझे दुआएं देके जा रही है। खैर उसके बाद मुझे जब लगा कि इसको अब पुलिस को दे देना चाहिए इस बंदे को, तो मैंने तुरंत उसकी रिपोर्ट बनाई और लिख दिया उसमें साफ कि ये मिलिटेंट नहीं है, इन कारणों से इसने हथियार रखा था, ही इज़ इनोसेंट, और गया एसपी साहब को दिया। एसपी साहब ने तुरंत उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उसको बेल दे दी। बेल मिलते ही ये बंदा घर गया, नया धोया, अच्छा सफारी सूट पहना, 1 किलो बर्फी ली, मेरे कैंप में स्कूटर से पहुंच गया। मैंने देखा अरे तुम यहाँ, अरे साहब आपसे मिलना है। मतलब क्या हुआ, कैसा बेल मिल गई मुझे इसलिए मैं आ गया। तो साहब मैं आपके मिठाई ला, ये मिठाई क्यों लाए? कहता सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ। आप चाहते तो मुझे गोली मार सकते थे, मैंने तो आपको हथियार दिया हुआ था। सेकेंडली साहब मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब तक मैं नमाज अदा करूँगा मेरी दुआओं में आप रहेंगे। तो मुझे लगा कि देखो ये स्पिरिचुअलिटी है कि जहाँ ज़रूरत है हम फोर्स को यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है प्यार से भी काम हो सकता। उसके बाद हम गाड़ी आगे बढ़ी, कई सारे अपॉइंटमेंट्स मुझे मिलते रहे। 2001 में मुझे कारगिल जाने का मौका मिला, तब मैं मेजर बन गया था, 12 साल की मेरी सर्विस थी। जब मैं कारगिल गया तो सन 2001 की बात है, उन दिनों कारगिल की स्थिति क्या थी कि युद्ध तो ख़त्म हो गया था 99 वाला, बट भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत गोलाबारी, आए दिन वो गोले फेंक रहे, फिर हम गोले फेंक रहे, और उसका नतीजा कभी उनके जवान मर रहे हैं, कभी हमारे मर रहे हैं, कभी उनके घायल हो रहे हैं, कभी हमारे घायल हो रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो सबसे सीनियर कंपनी कमांडर मेजर मैं ही था कंपनी का, पूरे पलटन का। तो मुझे सीओ ने कहा कि सती मैं आपको सबसे टफ फोर्स देना चाहता हूँ, सबसे टफ इलाका। मैंने सर ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 से लेकर 17,000 तक की जो सबसे ऊँची पोस्ट थी वो मुझे दी, उसमें करीब 7 या 8 पोस्ट थी जो मेरे नीचे थी। जैसे मुझे पोस्ट दी गई तो मैंने क्या किया, एक बार पैदल भ्रमण किया, और वहाँ पे आप सब जानते हो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं क्या कम हो जाता है, ऑक्सीजन, और कोई वेजिटेशन नहीं होता है, हरियाली ज़ीरो हो जाती है और ज़िंदगी एकदम मुश्किल हो जाती है। तो मैंने उन इलाकों का भ्रमण, तो मैंने क्या देखा कहीं कहीं पे, अच्छा जहाँ जहाँ हमारी पोस्ट थी हमसे कहीं पे 50 मीटर पे, कहीं पे 75 मीटर पे, कहीं पे 25 मीटर पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, कहीं पे वो ऊंचा है, कहीं पे हम ऊपर है, बस इतनी दूरी पे हम बैठे हैं, और बीच की जो लाइन है इमेजिनरी लाइन वो LC कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। कई बार क्या हुआ, हम लोग आपस में बात भी करते थे, साथ ही करके ना बातचीत भी होती थी, और कहीं पर तनातनी भी थी, गोले बारूद भी चल रहे थे। तो मैंने ये संकल्प किया था कि देखो ज़रूरत पड़ेगी तो फायरिंग हम ज़रूर करेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम शांति से रहेंगे, क्योंकि हमें पता था कि भाई हमें अपने को सुरक्षित रखना है और LC को ठीक रखना है, बाकी तो हमारी रिक्वायरमेंट लड़ने की तो फालतू में क्यों करें। बट क्या हुआ, जो 17,000 फीट पर हमारी पोस्ट थी वहाँ पर हमने एक यंग ऑफिसर को रखा था जो मेरे नीचे था, मैं 15,000 पे कंपनी कमांडर के रूप में अपने कंपनी हेडक्वार्टर में रह रहा था। अब ये जो यंग ऑफिसर था इसने क्या देखा एक दिन, क्योंकि नया था बिल्कुल 2 महीने की सर्विस,
क्या देखता है कि पाकिस्तान जो 17,500 पे बैठा हुआ है अपना कोई काम कर रहा है, कुछ ना रिपेयरिंग कर रहा है, तो इसको ऐसी सिखलाई थी कि यार दुश्मन को कुछ नहीं करने देना चाहिए, दुश्मन अगर कुछ भी करता है ना जस्ट ही शुड बी स्टॉप। तो उसने जब देखा हर काम कर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसने दूरबीन से देखा, उसने तुरंत दुश्मन को मैसेज दिया, साथी आप काम रोक दो, आप वो 17,500 पे, हम 17,000 पे। उन्होंने काम नहीं रोका, वो करते रहे। उसने फिर एक रेड फ्लैग दिखाया, लाल झंडा, साथी काम रोक दो, वो करते रहे। छोड़ो ये 17,000 वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, वो करते रहे। फिर इसने हमारे कमानी अधिकारी से बात की, सर ये दुश्मन कुछ कर रहा है, मैं 2 गोली LMG की हवा में फायर कर दूं सर, ताकि काम रोक देंगे ये लोग। अब CO बैठे 8,000 पे, खेल हो रहा है 17,000 पे, तो उनको पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं थी। उन्होंने बोला कि यंग सर है, चलो ठीक है ओके। और हमारे CO वैसे भी फायरिंग के बड़े शौकीन थे, उनका स्टाइल ये था, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बाद में ब्रिगेडियर बने। रोज़ शाम को 8:15 बजे उनकी लीला है ना, रामलीला को हम कहेंगे रामलीला शुरू हो जाती थी, और 12 बजे तक वो बड़े शान से इंजॉय करते थे, उसमें नॉन वेज भी आ रहा है सब। और 12 बजे वो उठाते थे फ़ोन पे सबको, हाँ भाई मेजर गुप्ता क्या कर रहे हो? सर आई वॉज स्लीपिंग। ओ तुम सोने आए थे यहाँ पे? नहीं नहीं सर सोने तो नहीं आया था। ऐसा करो फिर 100 राउंड बरसा दो पाकिस्तान पे। तो जैसे ही इस ऑफिसर ने 2 गोली फायर की पाकिस्तान पे, तो इसने तो ये सोचा था कि भाई पाकिस्तान वाले डर के मारे काम बंद, पर उल्टा हो गया। पाकिस्तान वाले ने 3 दिन 3 रात उस पोस्ट से और साइड के पोस्ट से इस पे हम पे फायर किया 17,000। और चूंकि ऊपर से कर रहा था तो ज़्यादा असरदार था, इसने भी फायर किया। बट जब तीसरे दिन तक फायर नहीं रुकी, तो ये ऑफिसर जब रिपोर्ट दे रहा था ना कमान अधिकारी को, तो घबरा रहा था। तो मेरे को CO ने तुरंत लाइन पे लिया, बोला यार आपके उस पोस्ट में बहुत फायरिंग हो रही है, आपको पता होगा। मैंने हाँ सर मुझे पता है। कहते मैं ना थोड़ा सा ना आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आप उस पोस्ट की कमांड खुद ले लो। अब मैं उस वक्त 8,000 फीट पे हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ था, रात के 9 बज रहे हैं, मुझे संदेश दिया जा रहा है। बट मैंने क्या देखा है कि अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, और जहाँ पे आप खुद देख रहे हो 3 दिन में कैसे मन है ना साफ हो रहा है, बुद्धि साफ हो रही है। तो मैं हमेशा आर्मी में मेरा हमेशा स्टाइल ये रहा है कि काम करना है, उसके बाद रैंक मिले या कुछ मिले इट इज़ इमेटेरियल, आपको तनख्वाह मिल रही दैट इज़ द मोस्ट। तो मैंने कहा हाँ जी सर मैं अभी निकल जाता हूँ। उन्होंने ये तो अपनी टीम ले और निकल जाओ। मैंने अपनी टीम को बुलाया, फिर वही 2 मिनट का मेडिटेशन और हम निकल पड़े। अब जब हम निकले 8,000 से 17,000 तक, तो रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ पथरीला, कहीं कहीं पे तो दुश्मन आपको देख रहा है कि आप आ रहे हो, वो आने ही नहीं देता है। जब वो देखते हैं ना आपको आते हुए वो फायर करता है, इसलिए आपको अपने मूवमेंट को रोकना पड़ता है। खैर हम अगले दिन रात 12:15 बजे पहुंच गए कहाँ, 17,000 पे। जब हम पहुंचे तो लक्कीली फायरिंग रुकी हुई थी 10-15 मिनट पहले। तो मैं उस अफसर से मिला, अब मैं चाहता तो उसको वो फौज के स्टाइल से गाली शलौच सब कर सकता था और उसको डिमोलाइज कर सकता था, पर मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने उसको देखा तो वैसे ही घबराया हुआ था। मैंने कहा कि फ्रेंड आपने अच्छा काम किया, आप कैसा करो कि 16,000 की जो हमारी पोस्ट है ना वहाँ चले जाइए, थोड़ा रिलैक्स करो है ना, अल्कोहल यू व्हेन आई रिक्वायर। और वहाँ पे एक छोटा मंदिर था, हर पोस्ट में मंदिर होता है, मैं उस मंदिर के सामने खड़ा हो गया और जैसे कि मैं ना परमात्मा से ये कह रहा हूँ कि देखो मुझे आपने यहाँ भेजना था, मैं आ गया हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, खेल तो आपका है, इसलिए संभाल लेना। ऐसा जैसे मैंने कहा ना, जैसे मुझे लगा कि मैं ना एकदम रिलैक्स हो गया, मेरा कमरा था मैं उसके अंदर चला गया। अब मेरा कमरे का कह रहा हूँ, जो मेरा कमरा था वो 8x8 फीट का लोहे का बंकर था, जिसके ऊपर 6 फीट सैंड मिट्टी की परत थी, ताकि अगर कोई बम गिरे भी तो एकदम ये फटे ना, थोड़ा सा मौका दे मुझे बाहर निकलने का। दूसरा उसमें जो मेरी चारपाई लगाई थी वो क्या थी पता है, 6 खाली टिन के कनस्तर के ऊपर प्लाई का टुकड़ा। क्या सर ये आपका बिस्तर है? मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा कि भाई हम तो स्नान करेंगे। क्या स्नान सर? मैं क्यों स्नान नहीं करते यहाँ पे, ऑफिसर स्नान नहीं करते? क्या सर जो ऑफिसर्स यहाँ रहते थे वो 2-3 महीने से ज़्यादा तो रहते नहीं थे, 15 दिन में एक बार स्नान करते थे, कहते थे कि इतने ठंड में तो वैसे ही फ्रेश हैं। मैंने कहा नहीं ये मेरा स्टाइल है, मुझे तो रोज़ नहाना है, मैं तो अपना हम तो रोज़ नहाने वालों में से हैं।
खैर मेरे जवान 9 बजे आए, सर यू आर द कंपनी कमांडर, हम फायर कर दें सर अभी दुश्मन पे, उसको सबक सिखाना है। तो मैंने कहा कि वेट, मुझे थोड़ा सा ना टाइम दो, मैं तो अभी तो आया हूँ, क्योंकि मैं उनको कुछ मैसेज देना चाह रहा था बट मैं उनको नहीं बोल सकता था, है ना। तो मैंने कहा कि वेट, अब बेचारे निराश होकर चले गए। 1 बजे क्या होता है, मैं खाना खा रहा हूँ और आवाज़ आ रही है डड़क 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 डड़क, ये क्या हो रहा है। खाना छोड़ा, बाहर का के क्या देखता हूँ फ्रॉम ए छुपाव से कि दुश्मन की RPG, HMG, LMG सब हम पे डड़क 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 डड़क, और हमारा पोस्ट हिल रहा है जैसे कि ही वॉन्ट्स टू, हमको मारना ही चाहता है, बस ख़त्म कर दो इनको। तो तुरंत मैंने क्या किया, मैंने देखा एक दो जवान घबरा गए, मैंने कहा नहीं इसको अभी सबक सिखाएंगे। उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन का कमाल ये था मेरे अंदर कि आई वॉज नॉर्मल बैलेंस्ड, और मुझे लगा कि कुछ अभी स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। तो मैंने अपना फायरिंग भी जारी किया, हमारा भी फायरिंग हो रहा था। मैं तुरंत एक गुफा के अंदर घुसा, उस गुफा 4 फुट करीब लंबी थी, 5.5 फुट ऊँची थी। मैंने उसमें अपना रेडियो सेट खोला, तुरंत CO से मिलाप किया, मैं सर बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है, दुश्मन हम पे हावी है, हम भी फायर कर रहे हैं बट इससे असर होने वाला नहीं है, मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। कहता यस, मैंने सर हमारे पास 81 mm मोटर है, जानते हैं ना 81 mm मोटर, सर मुझे उसका फायर चाहिए। कहते नो 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 वो फायर नहीं दूंगा मैं। मैंने सर कारण, कहता है देखो जब 81 mm मोटर का गोला गिरता है ना तो वो 150 मीटर बर्बाद करता है, तुम तो 50 मीटर की दूरी में बैठे हो, तुम लोग को नुकसान होगा। मैंने नहीं सर आप एक गोला फेंको, जस्ट वन गोला। अब उसको पता था मेजर साहब है सर, 12 साल की सर्विस है, कुछ तो अनुभव से बोल रहा है, तो उन्होंने एक ही गोला फेंका, वो हमारी बाउंड्री वाल पे गिरा, थोड़ा सा नुकसान हुआ। मैंने कोई बात नहीं सर आप इसको हाइट दीजिए। जब चौथा गोला फेंका तो वो सिख पाकिस्तान के सर पे गिरा। मैंने कहा सर अब 8 के 8 तोप खोल दो और 100 राउंड बरसा दो। बजे थे शाम के 5:30 और बिलीव नहीं करेंगे, जैसे वो 100 गोले गिरे, या अल्लाह जोर से आवाज़ आई, और मैंने देखा उसके बाद फायरिंग पाकिस्तान की बंद। एक दिन पहले 11:30 तक फायर कर रहा है और अभी 5:30 बजे बंद। जैसे उनकी फायरिंग बंद हुई मैंने भी फायरिंग रोक दी, हम कोई रात फायरिंग नहीं की हमने, पर टेंशन पूरा था, पूरा टेंशन। अगले दिन सुबह मैंने 9 बजे गुड मॉर्निंग किया, 100 राउंड से हमने 100 राउंड फिर बरसाया, देखते हैं क्या करता है ये, कुछ नहीं। अब उसके बाद 10 दिन तक हमारे बीच में कोई फायर नहीं हुआ, बट पाकिस्तान ने क्या किया पता है, हमसे खुंदक उसको हो गई थी, हमारी कोई मूवमेंट को वो होने नहीं देता था दिन में, क्योंकि ऊपर था हमारा पोस्ट तो उसको दिखता ही था, तो जो उसको इलाका हमारा दिखता था ना उसमें तो मक्खी कोई नहीं हिलने देता था। हम सारी हरकत रात को करते थे, अंधेरे में करते थे, बिना टॉर्च के करते थे। अक्टूबर का महीना, बर्फ़ गिरने लग गई थी, तो मुझे लगा कि मैं सोचता रहता, और वैसे मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिवनेस था, मैं अपना अपने नियमों में जितना चल सकता था चल रहा था। फिर मुझे बड़ा लगा कि ना ये बात बन नहीं रही है, कुछ सोचना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, माहौल ऐसे नहीं होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे लगा कि मुझे यहाँ क्यों बैठा है, ये LC की सुरक्षा के लिए, और हमने पंगा ले लिया दुश्मन से, दुश्मन ज़्यादा मुझे वो नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ की ठंड दिख रही। क्योंकि 17,000 फीट की विशेषता बताना चाहता हूँ आप सबको, 17,000 फीट में 6 महीने बर्फ़ रहती है, पहला पॉइंट, 8 फुट बर्फ़ गिरती है, दूसरा 6 महीने हम टिंड राशन खाते हैं, तीसरा सिर्फ बर्फ़ को पिघलकर हम नहाते हैं, बर्फ़ को पिघल के हम पानी पीते हैं। जो स्टॉकिंग आपकी हो गई मई से लेके अगस्त तक, दैट इज़ योर स्टॉकिंग, सितंबर तक थोड़ी बहुत और हो जाती है, उसके बाद आपका मूवमेंट बंद हो जाता है क्योंकि सारा रास्ता बर्फ़ से गिर जाता है। तो मुझे लगा, और टेम्परेचर होता है -30, अब आप समझ सकते हो -30 क्या टेम्परेचर होता है, मतलब टमाटर और क्रिकेट बॉल में कोई अंतर नहीं होता, अगर टमाटर भी किसी के सर में मारोगे ना तो गिर सकते। तो मैंने, हाँ इतना मतलब सख्त हो जाता है टमाटर ठंड में। तो मैंने 10वें दिन अपने बॉस को लाइन पे लिया, मैंने सर आपको तो मैं रोज़ ऑल ओके रिपोर्ट देता हूँ पर आज आपसे बात करनी है। कहते यस। अब इस 10 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, दुश्मन को ना अच्छी वाइब्रेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इस पोस्ट में पहले आपस में बात करते थे, सिर्फ वो एक घटना घटी, वो कुछ कर रहा था तो ये फायर हुआ, अदरवाइज उससे पहले हमारी आपस में दुआ सलाम थी। तो मैंने बोला सर मुझे आपसे बात करनी। कहते यस। मैं सर आपने मुझे यहाँ पे LC की सुरक्षा के लिए बैठा है। कहते यस। तो इसके लिए मैं फुल जवाबदारी लेता हूँ, LC एक इंच भी अपनी जगह से नहीं लेगी, ये आपको फुल जवाबदारी मेरी है, बट सर मुझे एक प्रॉब्लम सता रही है। यस बोलो। मैंने सर अभी हम लोग की मूवमेंट 0 है दिन में, रात को भी छुपाव में है, विदाउट टॉर्च है,
अगर अभी एक फुट बर्फ गिरी, अगर ये 8 फुट गिर जाए और कोई बंदा फिसल के गिर जाएगा क्योंकि सारे पथरीले रास्ते, तो मैं तो अपने को माफ़ी नहीं करूँगा, क्योंकि जो गिरा गया वो तो मर जाएगा सीधे। कहना क्या चाहते हैं? मैंने सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले भी शांति थी, हम शांति से रहे ना, हमारे लिए दुश्मन वो थोड़ी है, दुश्मन तो ठंड है यहाँ पे, ये बर्फ़ है, ये हालात हैं। समझा नहीं मैं क्या बोल। मैंने सर वी शुड हैव पीस इन दिस पोस्ट, शांति। अब कोई और वो कमांडर जिसको फायरिंग का बड़ा शौक हो, वो शांति सुन के पहला तेरे को थोड़ा धक्का लगा उसको, क्या शांति कहते कौन करेगा शांति की पहल। मैंने सर मैं करूँगा। अब उसको ये तो पता था मेरे बारे में कि ये ना अंडा मीट नहीं खाता है, थोड़ा पूजा पाठ करता है, इतना उसको पता था। कहता तुम कर सकते हो? मैंने हाँ सर मैं कर सकता हूँ। अब उसको लगा कि भाई ठीक ही बोल रहा है, पोस्ट कमांडर है। कहता ओके अगर आपको लगता है ना तो आप शांति की पहल करें। मैंने सेंट्री को बुलाया, मैं इधर आओ, पहले बात करते थे उधर। कहता हाँ साहब। मैंने आज शाम चिल्लाना साथी साथी करके चिल्लाना जब तक वो आवाज़ नहीं देता पाकिस्तान वाला, तो जब आवाज़ देगा बोलना हमारे टाइगर आपके टाइगर से बात करेंगे कल शाम 4 बजे। कहते ठीक है साहब। तो सेंट्री बड़ा मेरा मोटिवेटेड था, उसने खूब चलाया। बहुत देर बाद वहाँ से आवाज़ आती है पाकिस्तान से, हाँ जी बोलो। कहते हम कल शाम 4 बजे बात करेंगे आपसे, आपके टाइगर से, हमारे टाइगर। कहते ओके पूछ के आता हूँ, फिर पूछ के आया, ओके हम तैयार हैं बातचीत के लिए। नेक्स्ट डे शाम 4 बजे हमारी बाउंड्री वॉल, उनकी बाउंड्री वॉल, हम 17,000 पे, वो 17,500 पे। मैं खड़ा हो गया बिल्कुल, है ना, हाफ है ना, चेस्ट से ऊपर मैं खड़ा हो गया और मैंने हाथ हिलाया, टाइगर दिस इज मेजर रवि फ्रॉम इंडिया। उधर से इतना छोटा हाथ हिल रहा है, मैं समझ गया ये टाइगर है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, देखो जमीन पे उतरने के बाद पता चलता है कौन क्या है। पाकिस्तान इज ओनली एंड ओनली पेपर टाइगर। तो फिर मैंने कहा फ्रेंड दोस्त, कुछ दिनों से हमारे बीच में फायरिंग हो रही है, आप कुछ बना रहे थे, हमें इतराज हुआ, हमने फायर किया, ये फायरिंग शुरू हो गई। अब मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत की इस पोस्ट से आप पे कोई फायर नहीं आएगा। आपको जो बनाना है बनाइए, मेरी तरफ से ताजमहल बना दीजिए। अब वो पाकिस्तान दुश्मन नंबर एक, उसका उसका जिसका जवाब आया, सर आई एम ए पीस लविंग सोल्जर, मैं भी आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब से पाकिस्तान की पोस्ट पे भी आप पे कोई फायर नहीं आएगा। आपकी सारी हरकत हम देख रहे हैं, कुछ हरकत नहीं आप कर रहे हैं, सारी हरकत आपकी फ्रीज हो चुकी है, अब से आप खुल के हरकत करें। मैंने कहा दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूँ, आप परिवार सहित आगरा घूमने आइए। सर मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, आप परिवार सहित पेशावर आइए। अब हमारे खूब 1 घंटे बातचीत हुई। रात को क्या सीन देखा कि जो सेंट्री एक दिन पहले टेंशन में खड़े थे, अब कह रहे हैं यार साथी एक शेर सुना, बहुत दिन हो गए शेर नहीं सुना था। तो शेर व शायरी चल रही वहाँ पे। उसके बाद है ना, हम लोग ने अपना, अगले दिन सुबह क्या हुआ, मेरे जवान मेरे पास, सर वो सेंट्री पाकिस्तान का चिल्ला रहा है। मैं क्या चिल्ला रहा है? अरे सर वो कह रहा है हरकत करो हरकत करो। मैंने हाँ करना है हरकत, हमको तो कल हमारी मित्रता हो गई है ना, अब तो अरे नहीं सर ये वही पाकिस्तान है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका कोई भरोसा, कारगिल वार इसी ने किया सर, इसी ने किया कारगिल वार। मैं तुम भी ठीक बोल रहे हो, चलो अब आर्मी में कहीं भी भाई लीडर इज लीडर। तो मैं उठा, मैं मेडिटेशन में बैठा था, मैं उठा फिर अपने को ब्लेसिंग स्लीप में बाहर निकला और मैं उस स्थान पे खड़ा हो गया वेयर आई वॉज अ टारगेट फॉर द एनिमी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मैं क्या देखता हूँ, जहाँ मैं खड़ा था और जिस तरफ मैं देख रहा था दुश्मन की तरफ, तो दुश्मन का हथियार और सेंट्री मेरी तरफ अपने पोस्ट में खड़ा है एंड एमिंग एट मी। तो मैंने हाथ हिलाया इसकी तरफ विदाउट एनी वेपन, मैंने हाथ हिलाया अच्छे बड़े प्यार से। तो उसने भी अपने बंदूक की नली से बाहर हाथ निकाला और फिर मैंने वॉक किया, वो इतना बड़ा स्ट्रेच था जिसमें दुश्मन हमको पूरा दिखता था, वॉक किया तो कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने जवानों की तरफ देखा, मैंने कुछ हुआ? कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर आप काम करो यार, अभी ये सब इसने जो पोस्ट तोड़ दिया है, हमारा स्टॉकिंग बंकर्स तोड़ दिए हैं, लिविंग बंकर्स तोड़ दिए हैं, ये तो ठीक करना पड़ेगा ना इससे पहले कि बर्फ़ गिरे। कहते हाँ सब करना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपने कमाना देरी को फ़ोन किया, मैंने सर फायरिंग रुक गई है, हमारी मित्रता हो गई है, आप जितनी जल्दी हो सकता आइए और देखिए हम कितनी बदतर हालत में यहाँ रहते हैं, आप हमें सिर्फ सामान दीजिए हम इसको ठीक कर देंगे। कहते मैं तुरंत आता हूँ। वो आया, उसने देखा, उसको लगा कि कंडीशन अच्छे नहीं है रहने के, उसने तुरंत सामान भेजा, हमने अपना फर्स्ट क्लास बना दिया, विशेष जवानों का भी अच्छा कर दिया और अपना भी सेट कर दिया। तो जब हम काम कर रहे थे ना,
तो एक दिन वहाँ से जवाब आया पाकिस्तान से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। तो मैंने हाथ हिलाया, मैंने यस टाइगर हाउ आर यू, आज आपका मैसेज हमें मिला कि बात करेंगे। कहते हाँ सर आप सब ठीक हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा बताइए क्या मैसेज है आपका? कहते सर मैसेज बस इतना ही था कि आप लोग आजकल बहुत काम करते रहते हैं, हम देखते दिन भर। मैंने हाँ आपने जितने भी हमारे बंकर तोड़े तो हम उनको ठीक कर रहे हैं, बिकॉज अभी विंटर्स आ रही है, हमारा सारा राशन रखा हुआ है, हमको सब बचाना है। कहते सर करिए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, सिर्फ हम ये कहना चाह रहे थे कि जिस दिन हमारे VIPs का विजिट होता है ना सर, उस दिन काम मत करना। अब मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ गुडविल उसको दे रहा था अपनी, और कुछ नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं वहाँ 1.5 साल रहा। नियम ऑफिसर्स का था कि 2-2.5 महीने के बाद CEO का कान खा जाते थे कि सर हमें उतारिए इस पोस्ट से, क्योंकि हालात ही अच्छे नहीं थे, बदतर हालत थे। और हमने हालात इतने अच्छे कर दिए कि हम जैसा ब्रह्मा कुमार वहाँ रोज स्नान करता था, चाहे -30 हो चाहे +10 हो, रोज अपना नियम से रहता था। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने क्या देखी, जो मेरा कुक हाउस था ना जहाँ खाना बनता था हमारा, तो मैंने जब देखा फायरिंग रुक गई, तो एक दिन मैंने उसके दर्शन किए, तो मैंने देखा कुक जो है हमारा खाना बना रहा है। तो काफ़ी किचन काला था, कुछ कैलेंडर्स लगे थे और उसके चेहरे पे भी काली हो गई थी, क्योंकि इतना उसने गंदा रखा था किचन। तो मैंने देखा श्रीदेवी भी फोटो किचन में है, माधुरी दीक्षित भी किचन में बैठी है। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा यार इतनी फायरिंग हुई, इसमें से किसी देवी ने दर्शन दिया? तो उसको तो समझ में नहीं आया कि सवाल क्या पूछ रहे हो, जवाब क्या होगा इसका। तो मैंने कहा कि इसको उतार दे, अभी इसको ठीक करेंगे और तेरे को जो अलग से ना समझाएंगे कुछ। फिर उसके बाद हमने उस किचन की पूरी सफाई की बढ़िया ढंग से, वहाँ पे जैसा जिस सफाई से खाना बनना चाहिए उस सफाई से वहाँ पे खाना बना, क्योंकि मैंने ये देखा है मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा हूँ मैं सबसे पहले मेरा ध्यान किचन पे जाता है। अगर हम जवानों को अच्छा खाना खिलाएं और उसमें सात्विकता के गुण, उसमें जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल सकते हैं, क्योंकि फौज में तो आप नॉनवेज चलता ही है, ये भी चलता ही है, बट उसमें भी जितनी पॉजिटिव सफाई आप दे सकते हो तो वो असर तो जवानों को करता ही है, हमने हर जगह पे आजमा के देख लिया, तो उससे भी बहुत अच्छा असर हुआ। ठीक 1.5 साल बाद मेरी कंपनी कारगिल से देहरादून चले गई, पूरी पलटन। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे सबसे बड़ा इनाम मिला वो ये था कि मेरा एक जवान नहीं मर रहा। देहरादून पहुंच गए, नया काम, नया स्थान, नई कार्रवाई, नए टास्क, हम उसमें अपने लग गए। एक दिन क्या हुआ, एक पार्टी थी और मैं उस पार्टी में जब था तो मैंने क्या देखा कि हम कारगिल में जिस पलटन को छोड़ के आए थे, जिसने हमारा स्थान लिया, उसके कमान अधिकारी उस पार्टी में थे। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, कहा कि हेलो मेजर सती हाउ आर यू? मैंने सर आई एम फाइन। कहते यार आपको पाकिस्तान वाले याद कर रहे थे। तो मैंने बोला सर मुझे ऐसी क्या भूल हो गई? कितनी भूल नहीं, आपके जाने के बाद सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि पूरे LC में सीज फायर हो गया, अब कोई फायरिंग नहीं होती। मैंने कहा सर मैं उस सीज फायर के लिए या उस हालात के लिए बहुत वाइब्रेशंस डालता था कि मुझे फायरिंग जस्ती नहीं थी, कि फालतू की फायरिंग थी ये। कहता यार एक दिन क्या हुआ, हमारा जवान रात को बाहर निकला बाथरूम के लिए, ना जाने कहाँ पाँव रखा, फिसला, 200 फीट नीचे गिरा, डेड मर गया और डेड बॉडी पाकिस्तान में चली गई, जो खतरा मुझे पहले था। तो जब उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान चली गई तो फिर हमने व्हाइट फ्लैग दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप डेड बॉडी ले सकते हो। तो फिर मैं CEO साहब, मेरी टीम, उनके CEO साहब, उनकी टीम, हम डेड बॉडी तक पहुँचे। फिर उन्होंने हमको डेड बॉडी दी उसकी। तो वहाँ पर हमारी एक घंटा काफ़ी बातचीत भी हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपके 17,000 फीट पोस्ट पे एक मेजर सती थे, तो वो कहाँ चले गए? तो कहते नहीं सर मेजर सती नहीं, मेजर रवि। कहता है दुश्मन को आपकी पूरी खबर होती है, आप बताइए मेजर सती कहाँ है? तो उन्होंने कि क्या बात है, क्यों पूछ रहे? कहते नहीं नहीं हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो ऑफिसर उस पोस्ट में बहुत लंबे समय तक रहा, उसका जो स्टाइल था ना सर वो हमें बड़ा पसंद आया, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो, तो उसको हमारा सलाम ठोक। तो मैंने ये देखा कि देखो स्पिरिचुअलिटी की ब्यूटी, देखो क्या हालात थे और क्या हालात बन गए, और अब तो वो पूरा इलाका ही सीज फायर में चला गया। और आज भी उसके बाद फिर हमारा NCC में आना हुआ, ठीक है, और आजकल हम जॉइंट डायरेक्टर ECHS में, तो जहाँ भी मैं आजकल अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तो एक ही संकल्प ये आता है कि निमित्त होकर अपनी सेवाएँ करनी है, दिल से करनी है और परमात्मा की याद में करनी है, अपने को इंस्ट्रूमेंट समझ के करनी है, तो सफलता ही सफलता है और सुरक्षा ही सुरक्षा है। ओम शांति, जय हिंद।